हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमन और बहुत स्वागत है आपका एक और नए और ऐसे वीडियो में। तो वीडियो आगे बनाने से पहले आपको लॉन्च चैनल पर नए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर जो मैं चैनल को सपोर्ट करूँ। यार अभी कंप्लेन होती है कि यार मेरी वीडियो जल्द नहीं आती है, मैं भी इस पर एग्री करता हूँ कि मेरी वीडियो जल्द नहीं आ पाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में ऐसा हो गया जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। बट यार इसमें मेरे कन्फ्यूजन है वो करना क्या है, सिंपली आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आपको उस पर लिखना है #skaterock ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए। इससे क्या होगा क्या वीडियो जल्द आती रहेंगी और आपको डायरेक्टली बाय वीडियो हेल्प होगी। और ये भी जो वीडियो बन रही है सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बन रही है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार स्केटिंग करते हुए लेग बेंड होता है तो उसे क्या कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं लेग बेंड को ओवरकम इनलाइन स्केटिंग करते हुए। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्केट नाउ। तो बात करें यार लेग बैंड की, लेग बैंड बहुत ही कॉमन चीज़ है, चाहे मैं बात करूँ ट्राई स्केट्स में या फिर इनलाइन स्केट्स में, दोनों में लेग बैंड बहुत ही कॉमन है। लेग बैंड जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बैलेंसिंग में, लेग बैंड की वजह से बैलेंसिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसे ओवरकम करना भी आपको बताऊँगा जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। पहले मैं आपको लेग बेंड करके दिखाता हूँ जिससे आपको सम सॉर्ट ऑफ आइडिया मिल जाए कि लेग बेंड होता क्या है। आप देख के पता लगा लोगे कि लेग बेंड की वजह से बहुत ही बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यार ये तो बात हो गई लेग बेंड की, अब बात करते हैं इसे कैसे ओवरकम करना है। तो सबसे पहली टिप है कि आपको अपने दोनों स्केट्स को फ्लोर के बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको अपने स्केट्स को रखना है और इसके साथ आपको करना है हाफ बेंड ताकि आपको एक्स्ट्रा बैलेंस मिले। तो अब बात आती है हमारी सेकेंड टिप की। सेकेंड टिप में आपको क्या करना है, वी शेप में हम स्केटिंग करते हैं तो हमारे जो दोनों स्केट्स के बीच का डिस्टेंस है उसे थोड़ा सा कम रखना है ताकि लेग बेंड ना हो, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो लेग बेंड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं वो करके दिखा रहा हूँ, हल्का सा डिस्टेंस रखना है। मैं वो करके दिखा रहा हूँ यार, वी शेप में स्केट्स के बीच का दोनों का डिस्टेंस है उसे कम रखना है और जब स्केट पुश करते हैं उसे उस पुश को हल्का सा कम रखना है ताकि लेग बेंड ना हो, और अपने स्केट्स को बिल्कुल फ्लोर के स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। यही तीन चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी लेग बेंड को ओवरकम करने के लिए, आप देख ही सकते हैं। तो यार बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, लेग बेंड की वजह से टर्न लेने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। मैं वो करके दिखाता हूँ पूरा ताकि आपको सम सॉर्ट ऑफ आइडिया मिल जाए कि कैसे लेग बेंड टर्न लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है लेग बेंड की वजह से टर्न लेने में भी। तो इसको भी ओवरकम करना बहुत ही ईजी है, मैं करके दिखाता हूँ। तो यार टर्न लेते हुए लेग बैंड को प्रिवेंट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल, जैसे हम टर्न लेते हो तो हम जिस जगह से हम टर्न ले रहे हैं उस साइड हम बेंड होते हैं, बट अगर लेग बैंड हो जाए तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको टर्न लेते हुए दोनों स्केट्स को अंदर की तरफ पुश करना है ताकि आपके गिरने के चांसेस कम बने, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप मुड़ रहे हैं उस डायरेक्शन के लेग को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एंड उसके साइड वाले लेग को आपको हल्का सा बेंड रखना है जैसे मैंने इसमें करके दिखाया है। तो यार मैं वो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यार आप देख सकते हैं मैंने दोनों लेग्स को अंदर की तरफ पुश किया है, इससे होगा क्या कि आपके गिरने के चांसेस कम बनेंगे और लेग बेंड भी प्रिवेंट हो जाएगा। यह दूसरा तरीका जिसमें मैंने एक लेग को बेंड रखा है और एक लेग को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर जो मेरे चैनल को सपोर्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू स्केट।